नमस्ते दोस्तों, अंगूठे पैर के अंगूठे में इस जगह ये जोड़ जो होता है इसको फर्स्ट मेटाटार्सोफेलेंजल जॉइंट बोलते हैं और इस जॉइंट में होने वाले घिसारे या डैमेज को हेलक्स रिजिडस कहा जाता है। ये बहुत ही आम तकलीफ है और पैर के अंगूठे में पाई जाती है और उम्र के साथ साथ इसकी इंसिडेंस बढ़ जाती है। ये महिलाओं में ज्यादा मिलती है और ये उम्र के साथ साथ ज्यादा होती जाती है। तो 30 साल ऐसा माना जाता है कि फीमेल्स में, लेडीज में ऑलमोस्ट 40 में से एक लेडी को ये तकलीफ आएगी ही आएगी। इसको हमारी भाषा में हेलक्स रिजिडस बोलते हैं। जब ये तकलीफ होती है तो आपको अंगूठे में, पैर के अंगूठे में इस जगह दर्द होता है, सूजन आ जाती है और खास तौर पे अगर पांव का अंगूठा आप ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं तो आपको दर्द होने लग जाता है। इस बीमारी की 4 स्टेजेस होती हैं और जैसे जैसे आपकी स्टेज बढ़ती जाती है, पेन, दुखावा जो है आपका बढ़ता जाता है, सूजन बढ़ती जाती है और पैर ऊपर करने की, पैर के अंगूठे को ऊपर ले जाने की क्षमता कम होती जाती है। तो जैसे जैसे आपकी बीमारी आगे बढ़ती जाएगी, ये जो अंगूठा है ये ऊपर की तरफ नहीं जाएगा और ऊपर की तरफ अगर आप ले जाने की कोशिश भी करेंगे तो उसमें दर्द होने लग जाएगा। अगर आपको ये डायग्नोस होता है कि ये तकलीफ आपको है तो आपको इसके लिए एक एक्सरे कराना चाहिए। एक्सरे में हम ये देखेंगे कि जॉइंट की कंडीशन क्या है और उसके बेसिस पे हम जो तकलीफ होती है उसकी ग्रेडिंग करते हैं और फिर उसके बेसिस पे हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। अर्ली स्टेजेस में कंजर्वेटिव मैनेजमेंट दिया जा सकता है जिसमें हम कुछ टैबलेट्स देते हैं, कुछ लोकल जो जेल है वो दे सकते हैं, ट्यूब दे सकते हैं, थोड़ी लोकल फिजियोथेरेपी मॉडलिटीज के साथ चला सकते हैं। इसमें खास जरूरी चीज जो होती है वो ऑर्थोटिक और फुटवेयर मॉडिफिकेशन होता है। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसी शूज जिसमें आपका जो अंगूठा है वो ऊपर की तरफ टर्न हो, मतलब अगर आपके जूते का सोल पतला है या ज्यादा सॉफ्ट है तो आपको दर्द और तकलीफ ज्यादा होगी, तो थोड़े हार्ड सोल के शूज और थिक सोल के शूज इसमें रिकमेंडेड होते हैं। खास तौर पे हम इसमें कार्बन फुटप्लेट भी कई बार यूज करते हैं जिससे क्या होता है कि आपका जो सोल है वो फ्लैट रहता है और अंगूठा ऊपर ले जाने की चांसेस ही नहीं रहती है। ऐसा इसलिए भी माना जाता है कि ये तकलीफ हमने उन लेडीज में खास तौर पे ज्यादा देखी है जो हाई हील्स यूज करती हैं, क्योंकि अगर आप हाई हील्स पहनती हैं तो ऑटोमेटिकली आपका अंगूठा ऊपर की तरफ टर्न हो जाता है और आपको हेलक्स रिजिडस होने की चांसेस, ये अंगूठे में घिसारा होने की चांसेस बढ़ जाती है। इसी के साथ साथ कई बार हम इसीलिए इसके सॉल्यूशन में हम डीपर टो बॉक्स, अगर जूते के अंदर एक पैड और एक थिक सोल का जूता हम यूजुअली रिकमेंड करते हैं और जैसा मैंने आपको कहा कई बार हम कार्बन फुट प्लेट भी जूते के अंदर यूज कर सकते हैं। इस तकलीफ में जो जॉइंट में घिसारा होता है वो ऊपर की तरफ ज्यादा होता है, मतलब डॉर्सल साइड पे और अंगूठे के ऊपर की साइड जो है दुखावा ज्यादा होता है और ये प्रॉब्लम उन लोगों में ज्यादा होती है जिनमें ये जो पहली आपकी बोन होती है, फुट बोन होती है, वो ज्यादा लंबी और पतली होती है। जैसे मैंने कहा कि मेजॉरिटी ऑफ केसेस को हम अच्छे मेडिकेशंस और ऑर्थोसिस देके ठीक कर सकते हैं, परंतु अगर इन सब चीजों से आपको दर्द में आराम नहीं मिलता है, तकलीफ में आराम नहीं मिलता है, तो फिर इसके लिए सर्जिकल ट्रीटमेंट भी हम ट्राई कर सकते हैं। अब सर्जिकल ट्रीटमेंट हम क्या कर सकते हैं, जो पहला और सबसे बेसिक ट्रीटमेंट होता है उसको हम चिलेक्टमी बोलते हैं और ये माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में करते हैं जिसमें हम जो ऊपर के ऑस्टियोफाइट होते हैं और जो जॉइंट होता है उसको साफ कर देते हैं और ये करने से हम ये भी सुनिश्चित करते हैं कि आपका जो अंगूठा है वो 70 डिग्री ऊपर जाए, तो जितने भी ऑस्टियोफाइट है वो हम निकाल देते हैं और ये जो अंगूठा है 70 डिग्री ऊपर जाए, इतना हमको इंश्योर करना रहता है। इसके साथ साथ जो सेकंड ऑप्शन हमारे पास है वो आर्थ्रोडेसिस का ऑप्शन है जो हम सीवियर केसेस में करते हैं, उसमें ये जोड़ जॉइंट जाम कर दिया जाता है और नॉर्मली हम ये जो जाम करते हैं ये 20 डिग्री एक्सटेंशन में और 20 डिग्री वेलगस में जाम करते हैं, इसको आर्थ्रोडेसिस की सर्जरी बोलते हैं और ये सीवियर केसेस में की जाती है। इसकी एक सर्जरी जॉइंट रिप्लेसमेंट या आर्थ्रोप्लास्टी भी होता है, परंतु ये जो आपका प्रोसेसिस है ये इंडिया में कॉमनली अवेलेबल नहीं है, तो हमारे लिए इसकी जो बेसिक सर्जरी है वो इनिशियल स्टेज में किलेक्टमी है और सीवियर स्टेज में आर्थ्रोडेसिस है। साथ ही साथ अभी एक नई सर्जरी भी आई है जिसको हम इंटरपोजिशनल आर्थ्रोप्लास्टी बोलते हैं, ये एक जॉइंट प्रिजर्विंग सर्जरी है, इसमें चिलेक्टमी हम करते ही करते हैं और जो जॉइंट है
उसके अंदर हम एक्सटेंसर हेलुसिस ब्रेविस और कैप्सूल को इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। तो इंटरपोजिशनल आर्थोप्लास्टिक करके सर्जरी होती है, जो चिलेक्टमी और आर्थोडिसिस के बीच की सर्जरी होती है, और जिसमें हम ज्वाइंट का मूवमेंट भी प्रिजर्व रखते हैं, मतलब आपका जो जोड़ है वो मूव भी करेगा और उसमें दर्द भी नहीं होगा और उसकी स्टेबिलिटी भी मेंटेन रहेगी। तो यूजुअली ये सब करने से जो है हमारी जो ये सर्जिकल ट्रीटमेंट करने से काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और अगर आपको पेनफुल ज्वाइंट है, फर्स्ट जो थंब बेस है आपको पेन हो रहा है, तो ये सब करके हम उसको ठीक कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रश्न है इस बीमारी से रिलेटेड, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। धन्यवाद।